बस अब दुखवार नहीं। दोस्तों, इस जमीन पर इंसान खुदा की मर्जी से जन्म लेता है। जब वो हमें इस जहान में भेजता है तो हमारी जिंदगी भर का लेखा हमारे साथ होता है। कोई पलता है दुखों के साए में तो किसी की जिंदगी गुजरती है सुख की छाओं में। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक व्यक्तित्व से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूं, जिन गंभीर परेशानियों से वो गुजर रही हैं, उनसे हम में से कोई भी ज़रूर गुजरता होगा। इसीलिए हर बार आपको याद दिलाती हूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें आप नोट कर लें और आप कॉल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने नाम की लाल किताब अमृत। इसके अलावा आप SMS के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। बहरहाल, जिनके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ, उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही उतार चढ़ाव से गुजर रही है। जन्म से ही एक किडनी के सहारे जिंदगी जी रही हैं रेणुका धीर जी। दो बार इनका मिसकैरेज हो चुका है। आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रेणुका धीर की माता जी हमारे पास आई हैं, जो कि जानना चाहती हैं कि इन परेशानियों के बाहर आखिर उनका परिवार कब निकलेगा। मेरी बेटी बीमार है, एक ही मेरी बेटी है और मेरे को औलाद नहीं है और मैं बेटा हूँ। उसके दो साल हुए शादी को हुए, उसके पहले बच्चा ठहरा, 2.5 महीने में बीमार हो गई। फिर उसके बाद फिर हुआ भगवान ने कृपा की, फिर अब 20 फरवरी को BP हाई होने के कारण गुड़िया की डेथ हो गई। उसके बाद उसके मेरी बेटी की गुड़िया अंदर मतलब डेथ हो गई उसकी पेट में ही। तो फिर उसके बाद जो BP हाई होने के कारण डेथ हुई ना गुड़िया के अंदर पेट में, तो उसके बाद उसके मतलब किडनियों के ऊपर असर पड़ गया। अब उसको किडनी की प्रॉब्लम है, 4 महीने से 3 ऑपरेशन हो गए उसके। कितने साल की आपकी है? तो 26 साल की है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन? हाँ जी, वो ये तो 4 महीनों में 3 ऑपरेशन हो गए उसके। और एक ही मेरी बेटी है, यही है सहारा मेरे लिए। तो मैं कहती हूँ इसको कुछ ना हो, मैंने भी बचपन से बहुत दुख देखे। चलो मेरी तो ज़िंदगी जैसे कट गई कट गई, शादी हुई उसके बाद सुख आए, पर अब जब से वो गए हैं तब से ही मैं उसमें घिरी हुई हूँ दुखों में। आपके हस्बैंड की कब डेथ हुई? उनकी 14 अक्टूबर 2007 को। आपका घर कैसे चलता है? घर में पेंशन है। पेंशन? हाँ जी पेंशन है। शादी के बाद से ससुराल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी वहाँ? हाँ ठीक है, वहाँ पे तो ठीक है। बस यही है जो पहले बच्चा हुआ बीमार हो गई 2.5 महीने हुए, उसके बाद फिर 4-5 महीने भगवान ने कृपा की, पूरा टाइम भी हो गया। 9th मंथ चल रहा था तो BP हाई हुआ उसका, अंदर ही डेथ हो गई बच्चे की, और उसके साथ उसकी किडनी पे भी असर पड़ गया। तो जैसे 20 फरवरी को गुड़िया हुई ऑपरेशन से, फिर उसके बाद 2 मार्च को फिर उसका ऑपरेशन हुआ, किडनी रिपेयर की उसने, क्या किया कुछ पाइप वूप डाली। फिर अब 13 जून को उसका ऑपरेशन हुआ है। अब तो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर क्या बताते हैं, क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर कहते हैं अब ठीक चलेगा, बस काम चलेगा जैसे। ऑपरेशन तो उन्होंने कर दिया, अब 3 महीने बाद फिर उन्होंने पाइप निकालनी है। यानी बेटी के ससुराल में भी हर जगह परेशानी है? हाँ, वो बस ये जब बेटी गुड़िया हुई है ना, बस 5 महीने से अस्पतालों में ही है। जो मेरा दामाद है वो बस इसी तरह से परेशान है। इधर बेटी को देखना, पहले 20 फरवरी को हुआ, फिर 2 मार्च को हुआ, अब 13 जून को हुआ उसका ऑपरेशन। और उसकी किडनी भी परमात्मा के से एक ही है शुरू से जन्म से, और मेरी एक ही बेटी है और कोई औलाद नहीं है और कोई बच्चा नहीं है, एक ही मेरा सहारा है मेरी बेटी। आंसुओं से धुल के भी किस्मत तेरी बदली नहीं, आंसुओं से धुल के भी किस्मत तेरी बदली नहीं। कश्तियां तूफान में जो गिर गई निकली नहीं, गिर गई निकली नहीं, गिर गई निकली नहीं।
हमेशा आपको बताते हैं कि कुछ भी करने से पहले एक बार जांच लीजिए, परख लीजिए कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। हम अक्सर अपने आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, और सेल्फ़ मेडिकेशन का नतीजा क्या होता है ये आपके सामने है। गुजारिश करूंगी आपसे कि आप हमारा कार्यक्रम भी देखते हैं तो कोई भी उपाय अपने आप मत कीजिए। हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे बताए हुए उपाय सभी पर एप्लीकेबल है, यानी आप हर व्यक्ति कर सकते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली आपके भाग्य को निर्धारित करती है। जो उसमें लिखा है, जो उपाय उसमें लिखे हैं, उन उपायों को कीजिए। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आप SMS भी कर सकते हैं, और अपनी लाल किताब अमृत ज़रूर मंगवाइए ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए बेहतर क्या है और आपके लिए बुरा किन चीज़ों से हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं गुरुजी को बुलवा लेती हूँ ताकि गुरुजी जो है वो आपके दुखों से आपको मुक्ति ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, मैं गुरुदेव से आग्रह करती हूँ। चलिए, चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं। कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। गुरुदेव, ये कांता जी हैं, अपनी बेटी के दुखों को लेकर आई हैं और अपनी बेटी की ही बर्थ डिटेल्स देंगी। बेशक, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है? नंबर 1984। समय 3:47 PM। गुरुदेव, क्या कहती है इनकी कुंडली? बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, सूर्य शनि और केतु का मेल है अष्टम भाव में, और सूर्य शनि जब भी मिल जाते हैं, कहते हैं शुक्र का नाश होता है। शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है अपने शरीर के अंदर का जोश, पति पत्नी के सुख, ये दोनों हालात, और ये शरीर को किसी ना किसी रूप से कमजोर करता है, खराब करता है। और कुछ शरीर की कमजोरी या खराबी के हालात ऐसे जो कि केतु अष्टम का फल, यानी कि टेंशनें ज़्यादा बढ़ाएं, और बढ़ती उम्र के साथ में कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें दें। और यही क्योंकि केतु से संबंधित औलाद भी होती है, तो ऐसे में औलाद के सुखों के लिए भी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ देते हैं। राहु देव धन भाव में बैठे हुए, इनका भी खेल शुरू होता है। ये कहते हैं कि घर के अंदर नित नहीं कोई ना कोई छोटी 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 परेशानी लगा के रखेंगे। समृद्धि के योग बेशक ऐसे रहें जो दिखावे में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन अंदर से खालीपन करेंगे, और जो भी समृद्धि रहेगी वो बेकार की चीज़ों के ऊपर खर्च होकर के खत्म होगी। बृहस्पति शुक्र का मेल हर तरह की चुस्ती, चलाकी, तेजी, साधुपना सारे गुण तो देता है, लेकिन शादी के बाद बच्चे को कुछ न कुछ तकलीफें ये दे के रखता है, जिसके कारण कि पति पत्नी के सुख अच्छे भी रहे और कोई ना कोई कमी भी उनके अंदर बन के रहे। कभी शरीर बिल्कुल स्वस्थ और कभी शरीर के अंदर कोई ना कोई तकलीफें वो बन के रहे। अब इसलिए ये ऐसे हालात में, क्योंकि बुद्ध देव कहते हैं कि मैं भाग को पूरी तरह से डूबने नहीं दूंगा। अब इनकी सपोर्ट मिल जाने के कारण भाग डूबेगा भी नहीं, पूरी तरह से तरेगा भी नहीं। सूर्य शनि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं, शरीर को खराब करते हैं, औलाद के सुख इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि केतु देव साथ में बैठे हुए हैं। अभी जो इनकी उम्र है वो है 27, 27वां साल इनको चल रहा है, और ये बृहस्पति का अरसा है। इस वक्त के अंदर ये जितनी ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ जाएंगी, जितने दान पुण्य करेंगी, उतनी दुख तकलीफें इनको और मिलती चली जाएंगी, और पिता के हालात भी घर के अंदर किसी न किसी तरह से कमज़ोर होंगे, और ये हालात फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर छोटे छोटे क्लेश पैदा करेगा। जो सही मायने में औलाद के सुख मिलने चाहिए, उन औलाद के सुखों के अंदर विघ्न, बाधाएं लेकर के आएगा। जो अगर बच्चे पहले के हुए भी, उनकी लिखाई पढ़ाई के लिए खराबी के हालात देगा,
और ये कहीं 4 साल और आगे बढ़ जाता है, अभी दूसरा साल बृहस्पति को है, यानी कि कंप्लीट होता है बृहस्पति, 6 साल का होता है, अगर ये कंप्लीट होता है तो मियाँ बीबी के सुख सेटिस्फेक्शन के अंदर भी कोई ना कोई बड़ी तकलीफ ऐसी पैदा हो जाएगी जो कि गृहस्थी के अंदर बड़े तनाव दे जाए, ये इस तरह के हालात भी पैदा करेगा। और अगर इसका इलाज अभी नहीं करते तो आने वाले समय के अंदर जो औलाद पैदा होती भी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी पैदा होती जो कि सारी ज़िंदगी भोगनी पड़ती। इस तरह के हालात इनकी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर। इनकी बेटी को किडनी प्रॉब्लम है, 2-3 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं, लास्ट मोमेंट पे यानी 9वें महीने में आने के बाद बच्चा जो है उसका गर्भ में ही वो उस बच्चे की डेथ हो गई, और उसके बाद पता चला कि इनकी बेटी की किडनी, एक ही किडनी थी जन्म से ही, उसमें भी प्रॉब्लम, 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं तब से अब तक, और 4 महीने के अंदर 3 ऑपरेशंस हो चुके हैं, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सोर्स ऑफ इनकम भी जो है उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत पड़ रही है, इनकी बेटी के जो ननद के हस्बैंड हैं वहाँ भी परेशानी पहुँच चुकी है, उन्हें वो भी लकवाग्रस्त हो गए हैं अचानक, मतलब परेशानियाँ चारों तरफ से इनकी बेटी को घेरे हुए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, पिता के हालात आपने कमज़ोर बताएं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इन्होंने ज़बरदस्ती मकान एक नया बनवा लिया था, जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर था उसे बेच के इन्होंने नया मकान खरीद के बनवाया, और जैसे उसमें शिफ्ट हुए 1.5 महीने बाद ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। बेटा ग्रह किसी को नहीं छोड़ते, अगर मैं सही मायने में देखूं तो ये शुरुआत से ही अपने आप को कमज़ोरी के रास्तों पे लेके जाता है ये योग, लेकिन इसकी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का योग ऐसा है जो इसको पूर्ण रूप से गृहस्थी के सुख और घर के सुख देता है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि जो इसके भाग को पूरी तरह से डूबने नहीं देंगे, लेकिन ये जो सूर्य शनि और केतु का मेल है सारी ज़िंदगी टेंशनें बना के रखता है, शरीर को ख़राब करता है, धीरे धीरे करके पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब करता है, और स्पेशली तौर पे जब भी इसको प्रेगनेंसी आएगी तब इसने दिखते देनी देनी है, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर योग है कि या तो बच्चा होगा नहीं, अगर हुआ तो वो ख़राब होगा, और वो ऐसा ख़राब होगा जिसके लिए टेंशन सारी ज़िंदगी की घर में रह जाए, समझे। अब जब तक हम इसका इलाज नहीं कर देते तब तक अगर इसने बच्चा ले भी लिया किसी विधि से तो उसको कोई ना कोई तकलीफ़ ऐसी होगी जो कि सारी ज़िंदगी इनको झेलनी पड़े, सारी ज़िंदगी के लिए उसका दुख इसके पल्ले पड़े, इसीलिए ये उपाय होने बे इंतहा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि हमें उपाय ले लेने चाहिए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी एक ही है और कोई मेरे औलाद नहीं है, यही मेरा सफर। अब तक तू भाग को। आपके पति 3 भाई हैं क्या? हाँ जी। और इनके पिता 3 भाई थे या 5 भाई थे? इनके पिता 6 भाई थे। 6 भाई थे, क्योंकि ये पहले तो नर औलादों की पूरी भरमार लगाता है, और एक समय ऐसा आता है जब नर औलाद देता ही नहीं, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है बृहस्पति का, जब तक बृहस्पति के इलाज नहीं करते पितृ दोष के, पर अब वो ससुराल में चले गई है तो वो तो नहीं कर सकते, आप लोगों को करने पड़ेंगे, और जब तक आप लोग ये पितृ दोष का उपाय नहीं करते बृहस्पति का, इसके लिए कोई ना कोई रोड़े अटकते रहेंगे, कोई ना कोई तकलीफें आती रहेंगी, और वो उपाय है आपका जो भी खानदान है, जितने लोगों को अभी ज़िंदगी में हैं आपके खानदान में, उन सब से बराबर के पैसे लेकर के मंदिर में जा कर के किसी बुज़ुर्ग पंडित को, जो सफ़ेद बालों वाला बुज़ुर्ग पंडित हो, उसको दे करके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद आपने लेना है, गुरुदेव हमारे बच्चों की खुशहाली बनी रहे, हमारे घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और बेकार के खर्चे में जो हमारी कमर तोड़ी उसको ठीक करें, उसका आशीर्वाद। तो गुरु जी जैसे अब मेरे ससुराल में है वो तो कोई, जैसे इनकी डेथ होगी तुम्हें पता ही रिश्तेदारी मतलब कोई नहीं, ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हें 11 बृहस्पतिवार मंदिर में जाना पड़ेगा, और 11 बृहस्पतिवार मंदिर में जा कर के तुम्हें अपनी तरफ से कुछ न कुछ पैसे और चने की दाल ये उनको देनी है, और यही आशीर्वाद लेके आना है कि मेरी औलाद सुखी रहे, इस चीज़ का मुझे आशीर्वाद दें, ये उपाय करना है। 200 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो के लाल कपड़े में बांध के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे उनको दबाना है, और इसको कहना है कि एक चांदी की डिब्बी में केसर भर के सदा अपने पास रखे, जैसे कि औरतें अपने साथ रख लेती हैं, और 43 दिन लगातार
चार मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो अपने गरीबों में बांटते हैं। पीले कपड़े के अंदर 10 लाल मिर्च या 11 लाल मिर्च बांध के उसको घर के अंदर इसने कील पे ऊपर टांगना है और 9 बुधवार मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर, मशरूम यानी कि खुम्बी, वो भर करके इसने मंदिर में देनी है। काले सफ़ेद कंबल के अंदर 800 ग्राम गेहूं या गुड़ भर के उसको वीरान ज़मीन के अंदर जाके गहरा खड्डा खोद के दबा के आना है, ये उपाय करना है। और चार शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के घास वाली ज़मीन में दबाना है। जब तक ये उपाय नहीं हो जाते तब तक इसको औलाद का सुख, पति के सुख, अपने लिए दिमागी सुख शांति कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन ये उपाय हो गए उसके बाद इसको औलाद भी मिल जाएगी, पति के सुख भी बहुत अच्छे रहेंगे और टेंशनों के योग अपने आप इसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। और इसीलिए उपाय बेशक ये कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय 43 दिन का है, जो 43 दिन चार मुट्ठी साबुत बादाम गरीबों में बांटना है, बाकी सब एक एक दिन के उपाय हैं। ये उपाय हो जाने के बाद इनको तकलीफें नहीं रहेंगी और ये उपाय आपको सही मायने में इसकी शादी से पहले पहले करने चाहिए थे, बाद में नहीं, समझिए। बाद में इनका असर कई बार ऐसा होता कि आ जाता है, आकर के फिर चला जाए। जब भी इसका असर जाए और इसको वापस वो तकलीफ आने लगे, उसी वक्त में आपने एक काम करना है, ये जो साबुत बादाम वाला उपाय है आपको बताया है, ये उपाय ज़रूर करते रहें। इसको कहो कि पहले ये कर दे 43 दिन, उसके बाद में जब इसको प्रेगनेंसी आ जाए दोबारा, उसके बाद में हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम गरीबों में बांट दिया करें। अगर ये करती रहेगी तो बच्चा बिल्कुल कुशल होगा, बहुत अच्छा होगा और उसको कोई तकलीफ नहीं, यही उपाय करते हैं। उपाय तो वाकई सुनकर मुझे अचंभा हो रहा है कि वाकई उपाय बहुत कम है, वरना आप कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय बताते हैं। बेटा कई बार एक छोटा सा उपाय करने से ज़िंदगी की बड़ी मुसीबतें चले जाती हैं और कई बार छोटी छोटी तकलीफें ज़िंदगी के अंदर होती हैं और उसके लिए बहुत बड़े उपाय करने पड़ते हैं, समझे। परमात्मा ने जैसी कुंडली बना दी उपाय भी वैसे ही निकलते हैं, ठीक है। और ये उपाय बेशक छोटे हैं लेकिन जिस दिन हो गए इस बच्चे की ज़िंदगी के अंदर, घर में बैठे बिठाए परमात्मा खुद चल के आकर इसको सुख देगा। कैसा लग रहा है सुन के? मेरे को शुरू से ही विश्वास था पर मैं आ नहीं सकती थी, बस फ़ोन भी किए चलो नहीं आ सकी है ना, तो मेरा विश्वास तो शुरू से था, मैं 5-6 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ। माता रानी ने जब मिलवाना हो और जब किसी के दुख दूर करने हो वो इंसान तभी यहाँ तक पहुँच पाता है, उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सच है, समझिए। और शायद उसने यही दिन निर्धारित किया हुआ था और इसीलिए आ जा पाए। काम काज का भी जैसे दमाद का भी राजी, जिस दिन 4 शुक्रवार आड़ू की गुठली में सुरमा दबा दोगे और पीले कपड़े के अंदर 10 लाल मिर्च टांग दोगे कील पे, उस दिन के बाद इसके हस्बैंड का काम काज भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये यहाँ पर बैठे हुए कुछ ना कुछ ऐसे हालात उत्पन्न करेंगे जिससे कि बेकार के खर्चे बढ़े और हालात ख़राब हों, समझिए। और ये योग के चलते जितनी पूजा पाठ करेगी उतनी दुख तकलीफ उठाएगी। अब मैं थोड़े दिन से ना, जब ये ऑपरेशन हुआ ना 13 जून को, उसके बाद मेरे वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे मालूम में आया भी गुरुजी बताते हैं पूजा ने, शायद मेरी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ हो, तो मैं आके ना पर छोड़ तो फिर भी नहीं सकी, भी जैसे मन को शांति नहीं होती, भी जोत नहीं घर में जगी, मतलब ऐसे जैसे खोया खोया, फिर भी मैं जोत जगा के थोड़ा सा गणेश का जो भी पढ़ लेती हूँ, फिर सोचती भी हूँ शायद मैं ना करूँ, बेटी को भी मैंने मना कर दिया, तो उसने गुरु नाम भी लिया हुआ है तो वो भी जोत जगाती है, तो वो क्या जो ना जगाए घर में कुछ ना करे। बेटा इस लड़की के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये पूजा पाठ ना करे, ये जोत ना जलाए, क्योंकि ये अगर पूजा पाठ करेगी और जोते जलाएगी तो इसके औलाद के सुख कमज़ोर हो जाएंगे, इसीलिए इसके लिए स्ट्रिक्टली मना है और ये इसके लाल किताब अमृत में भी लिखा हुआ। ऐसी तमाम बारीकियाँ जो है लाल किताब अमृत में लिखी होती हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने नाम की लाल किताब अमृत ज़रूर मंगवा लें, ताकि आप ये जान सकें कि आप किसकी पूजा करें, क्या दान करें, क्या ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और तभी परेशानियों में फंस जाते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं उसे ज़रूर नोट करें, कॉल करें और अपने नाम की लाल किताब अमृत मंगवा लें और आप स्वयं भी समझ लें कि आपके लिए भला क्या है और आपके लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बुराई के रास्ते पर ले आ सकती हैं। गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लाल किताब अमृत मंगवा लें। माता रानी सुख दे ज़रूर जी। चलिए आपकी बहुत इल्म बदल दे
किस्मत लेखा मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ वचन देती हूँ। बस अब दुख वार नहीं